نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما محترم حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے اس علاقے میں ایک دینی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور اتفاق ایسا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کے بیچ میں جمعہ کا خطبہ دینے کا بھی مجھے موقع مل رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں جو بھی باتیں بیان کروں ان باتوں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے گناہ کی دو کیٹیگری ہوتی ہے ایک گناہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک گناہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے سے ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں
तो सर और दिमाग से होने वाले बहुत सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब हम पैर धोते हैं तो पैर से होने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये कौन से गुनाह माफ़ होते हैं? सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनको शरीयत में बड़ा गुनाह कहा गया है। उन बड़े बड़े गुनाहों में भी कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको अकबरुल कबाइर यानी सबसे बड़े बड़े गुनाह कहा गया। ये कौन से गुनाह हैं? ये वो गुनाह हैं जिनको हम जब तक तौबा नहीं करेंगे अल्लाह ताला से तब तक ये माफ नहीं होंगे, ये वजू करने से माफ नहीं होंगे। समझ रहे मेरी बात आप? ये सिर्फ नमाज पढ़ने से माफ नहीं हो, ये सिर्फ जुमा पढ़ने से माफ नहीं हो, ये जो कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह हैं, इनके लिए तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से। जब तक अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे माफी नहीं मिलेगी। अब ये जो बड़े बड़े गुनाह हैं इनमें से तीन गुनाहों पर आज हम अपने खुतबे जुमा में थोड़ा डिटेल से रोशनी डालें। ये कौन से तीन गुनाह हैं? मैंने एक आयत पढ़ी है कुरान मजीद की, 19वें पारे की आयत है सूरह फुरकान। आइए पहले आयत करीमा को पढ़ लेते हैं फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह फरमाता है والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, जो मेरे नेक बंदे होते हैं, जो जन्नती बंदे होते हैं, जो मेरे फरमाबरदार बंदे होते हैं, वो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, वो अल्लाह के साथ किसी और को अपना मुश्किल कुशा नहीं मानते, अपना गौसे आजम नहीं मानते, अपना दस्तगीर नहीं मानते, अपना मददगार नहीं मानते। ये पहला गुनाह है जिसको हम शिर्क कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक्तुलून النفس التي حرم الله الا بالحق, और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के जन्नती बंदे, अल्लाह के खास बंदे, जो दूसरा गुनाह जिससे वो बचते हैं, जो नहीं करते हैं, वो कौन सा गुनाह है? फरमाया वो किसी की हत्या नहीं करते, किसी को कत्ल नहीं करते, किसी का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर की, किसी बेगुनाह की जान नहीं लेते, किसी की हत्या नहीं करते, हत्यारे नहीं होते। और तीसरा गुनाह वला यज़्नू, और मेरे नेक बंदे, मेरे जन्नती बंदे जिना नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, रेप नहीं करते, बदकारी नहीं करते, अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करते। ये तीन गुनाह इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किए कि ये तीन बड़े बड़े गुनाह हैं जिनसे मेरे नेक बंदे बचते हैं, मेरे नेक बंदे इनके करीब भी नहीं जाते। आयत का तर्जुमा मैंने कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आयत आपको समझ में आ गई। अब एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं जिससे ये आयत और वाजे हो जाती और क्लियर हो जाती। और जो मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, आप जानते हैं हदीस की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब, सबसे ज्यादा मोतबर किताब कौन सी है? कोई बता सकता है? सही बुखारी, और दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम। इनके नाम के साथ सही लगाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम। क्यों? इनकी तमाम हदीसें सही। तो जो मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, बिल्कुल सही हदीस। हदीस के रावी कौन है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर सहाबी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि एक दिन मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा अय्युज़्ज़म्बी आज़मु इंदल्लाह, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन है, सबसे बड़ा पाप क्या है? सहाबा अल्लाह के नबी से सवाल करते थे, कभी ये पूछते थे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है, कौन सा अमल जन्नत में लेकर जाएगा, और कभी यह भी पूछते थे कि कौन सा गुना अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है, कौन सा गुना अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा है, ताकि गुनाहों से बचे और जो नबी नेक काम बताए वो नेक काम करें। सहाबा हमारी और आपकी तरह नहीं थे,
वो अपने उलमा से कट कर नहीं रहते थे, अपने उलमा से अगर सवाल भी हम और आप करते तो फालतू सवाल करते, बेमतलब का सवाल, बेकार सवाल। अरे सवाल वो करो जिससे तुम्हारी दीन और दुनिया का कोई फायदा हो, जिससे तुम्हारा दीन बन जाए, तुम्हारी दुनिया बन जाए, ऐसा सवाल करो, फालतू सवाल करते। एक साहब का मेरे पास फोन आया दो तीन दिन पहले, मौलवी साहब ये बताइए कि जब मुर्दे को हम मिट्टी देते हैं कब्रिस्तान, तो मिट्टी खड़े होकर के देना चाहिए या बैठ कर देना चाहिए? मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये कैसा सवाल है, हर आदमी जानता है कि जब आदमी मिट्टी देता है तो ना तो पूरी तरीके से खड़ा होता है ना बैठा होता है, वो झुक झुक करके मिट्टी देता है कि नहीं? तो कहने लगे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है खड़ा नहीं हो सकता तो क्या वो बैठ कर मिट्टी दे सकता है? मैंने कहा कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, बूढ़ा आदमी कमज़ोर आदमी अगर खड़े होने की ताकत नहीं रखता है तो बैठ करके नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, बोलो भाई? जब नमाज बैठ करके पढ़ सकता है तो मिट्टी क्यों नहीं दे सकता? नमाज तो और बड़ी इबादत है ना। तो सवाल बड़े अजीब किस्म के सवाल होते हैं। मौली साहब, वो आदम अली सलाम ने जो जन्नत में एक अल्लाह ताला ने मना किया था कि उस पेड़ को मत खाना, उन्होंने खा लिया, वो कौन सी चीज का पेड़ था? तुम्हें खाना है क्या? क्यों पूछो? मौली साहब, वो हाबिल और काबिल के बीच में लड़ाई हुई थी एक लड़की की वजह से, उस लड़की का नाम क्या था? इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। मौली साहब, किसी औरत की लाश मिली है, पता नहीं चल रहा है कि मुसलमान की लाश है कि हिंदू की लाश है, क्या किया जाए? गाड़ा जाए कि दफनाया जाए, क्या किया जाए कि जलाया जाए, क्या किया जाए? अब भाई सब लोग जानता है कि मुसलमान अगर मर्द है तो चलो उसके अंदर एक निशानी है मुसलमान होने की, उसका खतना कराया जाता है, लेकिन औरत के अंदर तो कोई निशानी नहीं होती। अब ये तय करना तो बहुत मुश्किल है कि औरत अगर उसकी लाश पाई गई और बदन पे कोई कपड़ा वगैरह भी ऐसा नहीं है जिससे पता लगे ये गैर मुस्लिम है क्या मुस्लिम है, तो ये कैसे पता लगा जाए? कोई पहचान नहीं है। अब यही एक तरीका है भाई, मुसलमानों को अगर वो लाश मिलेगी तो मुसलमान अपनी लाश के साथ क्या करते हैं? कब्रिस्तान में दफनाते हैं, उस औरत को भी दफनाते हैं। तो सवाल, सहाबा से सवाल करने का तरीका सीखो, सवाल करने का भी एक तरीका होता है कि सवाल क्या किया जाए। सहाबा फालतू सवाल नहीं करते थे, बेकार सवाल नहीं करते। आय अल्लाह के नबी, अय्युज़्ज़म्बियाज़म इंदल्लाह, आय अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है, अंतजाला लिल्लाहि निद्दं व हुवा खलकक, कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, दिल की धड़कनें चलाने वाला अल्लाह है, सांस की डोर चलाने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है। अंतजाला लिल्लाहि निद्दं व हुवा खलकक, तुम अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करना शुरू कर दो, ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसने हमें पैदा किया। भाई मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा, आपकी औलाद, जो आपकी पैदा तो अल्लाह ने किया है लेकिन आपको सबब बनाया, आप बाप हैं, एक औरत के पेट से पैदा हो उसकी मां है, आपका बेटा आपके घर में रहे, आपके घर में परवरिश पाए, आपका खाना खाए और आपकी बात ना माने और किसी और को अपना बाप कहे, आप बर्दाश्त करें? एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए आप बर्दाश्त करें? आप निकाह करके अपनी बीवी को लाएं, उसके कपड़े का इंतजाम आप करें, उसके मेकअप का इंतजाम आप करें, उसकी खुशियों का इंतजाम आप करें, और वो बीवी आपको अपना शौहर ना माने, किसी और को अपना शौहर माने, कि आपकी गैरत गवारा करे कि नहीं करे? हमें पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें दुनिया में लाने वाला अल्लाह है, और हमारे जिंदगी का सारा इंतजाम करने वाला वो मालिक है, और हम उसका दर्जा किसी और को दें, हम अपना माथा किसी और को झुकाएं, किसी और के आगे झुकाएं, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है मेरे पास। इसीलिए कुरान कहता है दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय शिर्क है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम,
शिर्क से बड़ा कोई अन्याय नहीं। अन्याय का मतलब समझते हैं, अन्याय किसको कहते हैं, जुल्म किसको कहते हैं। ये टोपी मैं लगाया हूं सर पे, टोपी की जगह सर है और चप्पल की जगह पैर है। चप्पल को उठा के सर पे लगा दिया जाए और टोपी को पैर में डाल दिया जाए, ये टोपी के साथ अन्याय है और ये चप्पल के साथ अन्याय है। इबादत अल्लाह का हक है। सजदा किसके आगे किया जाएगा, बोलो भाई, अल्लाह के आगे। कसम किसके नाम की खाई जाएगी, अल्लाह के। सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत की जाएगी, अल्लाह से। सबसे ज्यादा किससे डरा जाएगा, अल्लाह से। सबसे ज्यादा किसके ऊपर भरोसा किया जाएगा, अल्लाह से। किसके नाम से जानवर ज़बह किया जाएगा, अल्लाह के नाम से। ये सारी चीजें इबादत हैं अगर हमने किसी और को शरीक किया, ये शिर्क है। और अल्लाह के नबी कहते सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत अब्दुल्लाह ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, आपकी बात समझ में आ गई, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अब ये बताइए कि शिर्क के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह क्या है। आपने फरमाया, अंतकतुला वलदक मखाफत अन यतामा माक। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद की हत्या कर दो, अपने बच्चे को कत्ल कर दो, अपने ही बेटे को तुम मार डालो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने बेटे को खाना खिला सको। अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि तुम्हारे साथ खाना खाएगी, तुम्हारे घर में दो रोटी और ज्यादा बनानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा खाना और बनाना पड़ेगा। अपनी औलाद को पेट के डर से, रोटी के डर से कत्ल कर दो। ये दूसरा सबसे बड़ा। अब मैं अभी डिटेल से बताऊंगा। फिर हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, अल्लाह के नबी, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है। आपने फरमाया, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है, अंतुसानिया हलील तजारिक, कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी शादीशुदा औरत के साथ जिना करना, जाहिर सी बात है, किसी शादीशुदा औरत के साथ अगर कोई जिना कर रहा है तो गोया कि उस औरत के शौहर के साथ धोखा हो रहा है, तो ये और बड़ा गुनाह है। और फिर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना, पड़ोसी का तो बहुत हक है। आपके घर में अगर खाना बन रहा है और आपके घर में पड़ोसी भूखा है, इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। आपके घर में अगर खाना बन रहा है और पड़ोसी भूखा रह जाए, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है मेरे भाई। इस्लाम की शिक्षा क्या है? अगर आपके घर में खाना बन रहा है और आपका पड़ोसी भूखा है, तो वो खाना आपके बच्चों के मुंह में अगर जा रहा है, तो आपके पड़ोसी के बच्चे के मुंह में भी जा रहा है। आप पड़ोसी को तकलीफ दे रहे हैं, आपका ईमान, आपके ईमान पर सवालिया निशान लग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मोमिन ही नहीं है इसका पड़ोसी, उससे परेशान हो जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा। तो पड़ोसी अपने पड़ोसी पर बड़ा भरोसा करता है। अब उस पड़ोसी की बीवी के साथ कोई जिना करे, और बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तीसरा बड़ा गुनाह यह है कि अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना किया। तो ये जो हदीस मैंने पढ़ी बुखारी और मुस्लिम, इस हदीस में और कुरान की आयत में आपने देखा, कुरान में पहला सबसे बड़ा गुनाह क्या बताया गया, शिर्क, उसके बाद कत्ल, और उसके बाद जिना, और हदीस में भी वही तीन गुनाह है। सबसे पहले अल्लाह के साथ शिर्क करो, और दूसरा अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि तुम्हारे साथ खाएगी, और तीसरा अपने पड़ोसी की बीवी के साथ सकते शिर्क। अब हमारे समाज में शिर्क कैसे कैसे होता है, जुमा का खुतबा है, मुख्तसर से टाइम में मैं दो चार चीजें आपके सामने बयान करूं। मिसाल के तौर पर, किसी अल्लाह के वली की खबर है, किसी नेक बुजुर्ग की खबर है। अब एक मुसलमान उस कब्र पे जाता है और वहां जाकर के माथा टेकता है, सर झुकाता है, या वहां जाकर के झुक जाता है। क्यों भाई? ये अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नेक हैं, वली हैं। या वहां जाकर के ये दुआ करता है कि ए फला बाबा, ए फला बुजुर्ग साहब, ए फला पीर साहब, आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, आप अल्लाह से मुझे बच्चा दिला। ये भी होता है कि नहीं होता है? ये शिर्क है। क्यों शिर्क है? इसलिए कि नबी ने इसको शिर्क करा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी टाइम में
اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے اما عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے بے چین تھے، کبھی آپ اپنی چادر کو اوڑھ لیتے تھے، کبھی اپنی چادر کو پھینک دیتے تھے، بے چینی کا عالم تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبی کی، اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، او لوگوں تم یہ کام مت کرنا، تم یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، تم عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، تم قبر پرستی نہ کرنا، تم مزاروں پر جا کر کے سر نہ جھکانا، تم وہاں جا کر کے اپنی بگڑی مت بنوانا، اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی قسم آپ کا حج برباد ہو جائے، آپ کے عمرے برباد ہو جائیں گے، زندگی بھر کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، آپ اس کائنات میں سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ نے بھی غیر اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اگر آپ نے بھی غیر اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اے نبی، آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، لیحبطن عملک، آپ کے تمام نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہو میرے بھائیوں تو توحید کی حفاظت کرو، شرک سے بچاؤ اپنے آپ۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے اوپر بڑے خراب حالات ہیں، کہیں این آر سی کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں موب لنچنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، مسائل ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن کیا ہم 1400 سال پہلے پریشان نہیں تھے؟ کیا ہمارے نبی کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں، صحابہ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا ہمارے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام نہیں رکھا گیا؟ ہمارے نبی کو اور صحابہ کو اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے جگہ نہیں جانا پڑا؟ یہ سارے حالات آئے مگر صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی توحید کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسہ کم ہے، آپ کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس توحید ہے، اللہ کی قسم آپ اس کروڑ پتی سے بہتر ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان نہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت، اس دولت کی حفاظت کرو میرے بھائی، اس توحید کی حفاظت کرو، زندگی کو شرک سے بچا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں مسلمان بھائی، ان کے گلے میں دیکھو تعویذ پہنے، ان کے بچوں کے گلوں میں دیکھو تعویذ پہنے، یہ تعویذ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، اللہ کے نبی نے کھلم کھلا شرک قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے بعد 10 صحابہ آئے، کتنے آئے؟ 10 صحابہ آئے، اور 10 صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، نبی نے 9 سے بیعت لی، اور ایک کی جب بیعت کرنے کی باری آئی، نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر، وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، 9 لوگوں کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، میرے ہاتھ پر نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان علیک لتمیمہ، ذرا اپنی گردن میں دیکھو تم تعویذ پہن کے آئے، تم تعویذ پہن کے آئے ہو، میں تم سے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ صحابی نے اپنے گلے سے تعویذ کو نکال کے پھینکا ہے اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے، میرے نبی نے تب جا کر کے بیعت کی، اور میرے نبی نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اپنے بچوں کی زندگی، ان کا عقیدہ مت برباد کرو، بچوں کو نظر لگتی ہے، دعائیں ہیں، آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں، پہلے تو دعا یاد کرنی چاہیے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، کوئی اچھا عالم دین ہے آپ کے علاقے میں، آپ اس سے جا کے اپنے بچے کو دم کرواتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر دے، دعا پڑھ کے دم کر دے،
ये तावीज़, ये गंडा, ये शिर्क है, नबी ने इसको शिर्क कहा है और नबी ने बद्दुआ दी है। आपने फरमाया मन ताअल्लक तमीमतन फला अतम अल्लाहु लहू, जो तावीज़ पहनता है अल्लाह उसका मकसद कभी पूरा ना करे, तो ये भी शिर्क है। इसी तरीके से किसी नबी के बारे में ये अकीदा रखना, किसी वली के बारे में ये अकीदा रखना कि जैसे अल्लाह रोजी देने वाला है ये भी रोजी देते हैं, जैसे अल्लाह औलाद देने वाला है ये भी औलाद देते हैं, ये भी शिर्क है, ये गुलू है, ये हद से तजावुज़ करना है। नबी का मकाम अपना है, वली का मकाम अपना है और अल्लाह का मकाम अपना है। हम किसी नबी को अल्लाह के मकाम तक न पहुँचाएँ। हम अपने प्यारे और अपने सबसे आखिरी नबी जिनका हमने कलमा पढ़ा है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको भी अल्लाह का बंदा मानते हैं। हम नमाज में जब तैयार पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह क्या जो हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अन तक्तुल वलदक खशियत अन यतअमा माक, अपनी औलाद की हत्या करो इस डर से कि तुम्हारे साथ खाना खाए। आज औलाद की हत्या हो रही कि नहीं? हां यह अलग बात है, 1400 साल पहले औलाद की हत्या करने का तरीका यह था कि बेटी पैदा होती थी लोग जमीन में गाड़ दिया करते थे। आज जमाना तरक्की कर गया है, आज जमाना आगे बढ़ गया है, आज पैदा ही नहीं होने दिया जाता है, मां के पेट में ही बच्चे या बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है इस डर से कि दो बच्चे हो गए तीसरा बच्चा आएगा खाना कैसे खाएगा। अय अल्लाह के बंदे, जब तू दुनिया में आया था तू अपनी तकदीर लेकर के आया था, तेरे बाप की तकदीर अलग थी तेरी तकदीर अलग थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके दो बच्चे हैं वो बहुत खुशहाल है और जिसके दस बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि दो बच्चे और सारी ज़िंदगी परेशान हैं और दस बच्चे और दसों खुशहाल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बूढ़े हो जाएं और आपको सहारा देने के लिए आपका कोई बेटा भी आपके पास ना हो। अपनी औलाद को माँ के पेट में कत्ल न करो। और यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ी अफसोस की बात है, 7-8 साल का बच्चा होता है हम तालीम और पढ़ाई से दूर करके काम में लगा देते हैं। क्यों जनाब? घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान का कानून तो इसको अपराध मानता ही है। छोटे बच्चों की पढ़ाई छुड़ा करके, मदरसा छुड़ा करके, स्कूल छुड़ा करके उन्हें काम में लगा देना, ये हिंदुस्तान के कानून में तो अपराध और जुर्म है ही, शरीयत की नज़र में भी ये बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा अपराध है। आपने अपने बच्चे को अगर तालीम से महरूम कर दिया, कल वो बच्चा जब जवान होगा और तालीम की कमी की वजह से वो परेशान होगा, वो आपको बददुआएं देगा, वो आपको बुरा भला कहेगा और वो कहेगा काश मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया होता, मेरे बाप ने मुझे शिक्षा दी होती, मेरे बाप ने मुझे तालीम दी होती। अपनी औलाद को पेट के लिए तालीम से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, ये भी उनकी हत्या करना है, ये भी उनको कत्ल करना है। आज दूसरी कौमों को देखो, आज दूसरे लोगों को देखो, वो एक टाइम का खाना खा लेते और एक टाइम भूखे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर पैसा खर्च करते हैं, अपने बच्चों की तालीम में पीछे नहीं रहते। और हमारे मजहब की तो शुरुआत तालीम से होती है, हमारे नबी के ऊपर तो जो पहली आयत उतरी है उसमें भी पढ़ने का और लिखने का हुक्म दिया गया है। वो लोग आज हम अपने बच्चों को तालीम से क्यों दूर कर रहे हैं? औलाद को कत्ल करने का यही मतलब नहीं उनकी जान ले ली जाए, उनको तालीम से दूर करना भी उनका कत्ल है। अपनी औलाद को दीन से दूर रखना भी, उनको इस्लाम से दूर रखना, उनको नमाज से दूर रखना, उनको मस्जिद से दूर रखना, यह भी उनका कत्ल है। और अपनी औलाद को हराम कमाई खिला करके उन्हें जहन्नम जहन्नम का ईंधन बनाना, यह भी याद रखो यह भी उनका कत्ल है। घर में हराम कमाई हो रही है, बड़े धड़ल्ले से हम हराम कमाई कर रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बदन जो शरीर हराम कमाई से परवरिश पाता है, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया फन्नारु औला बिही, जो बदन और जो शरीर हराम कमाई से परवरिश पाएगा वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अपने बच्चों को जहन्नम की आग में मत डालो। बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनसे जब कहा जाता है फला काम हराम है, फला कमाई हराम है, तो उनको बात समझ में नहीं आती।
कहते इतने ज़माने से हम ये काम करते चले आए, हमारे घर की औरतें करती चली आई, ये काम हराम कैसे हो सकता है? और फिर हम ये काम कर दें तो करेंगे क्या? याद रखो, हराम तो चंद काम है, हलाल बेशुमार काम है। कभी भी ये मत समझो कि तुमने हराम काम छोड़ दिया तो अल्लाह रास्ता बंद कर देगा, अल्लाह और रास्ता इंशाल्लाह खोलेगा अगर अल्लाह की ज़ात पर सच्चा रहो। और एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, अगर दिल और दिमाग के दरवाजे खुले हैं तो इस दुआ को याद करो। कारोबार में अगर आप परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं, ये दुआ याद कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। ये नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को ये दुआ सिखाई। क्या है वो दुआ? अल्लाहुम्मा फिनी बिहलालिका अन हरामिका। ऐ अल्लाह, मुझे इतना हलाल रोजी, इतनी हलाल रोजी तू दे दे कि मुझे हराम की जरूरत ना पड़े। अल्लाहुम्मा फिनी बिहलालिका अन हरामिका वो अग्निनी बेफजल कामन सिवा का। ऐ अल्लाह, अपने फजलो करम से इतना मालदार कर दे कि तेरे सिवा किसी और के दर पे जाना ना पड़े। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सिखाई थी। ये दुआ याद कर और हराम कारोबार छोड़ दे मेरे भाई, हराम कमाई छोड़। बच्चों को कत्ल करने का एक मतलब ये भी है कि बच्चों को हराम कमाई याद खिलाए। और तीसरा गुना जो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इसको बहुत बड़ा गुनाह करार दिया, वो क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना। ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, आप इसका अंदाजा इससे लगाएं कि कुरान में अल्लाह ने कहीं पर यह नहीं कहा कि तुम ज़िना मत करो, बल्कि जब भी ज़िना का जिक्र आया अल्लाह ने कहा तुम उसके पास भी मत जाओ, उसके करीब भी, वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। और इसीलिए हमारी शरीयत में जिना के करीब ले जाने वाली भी तमाम चीजों से मना किया गया और रोका गया है। और इसीलिए जिना को कंट्रोल करने के लिए हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है, लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, उनकी शादी करा दो, शादी में देर मत करो, शादी में लेट मत करो। अगर तुमने जहेज के चक्कर में और अपने रस्म और रिवाज के चक्कर में शादी में देर की और लड़कियां जवान होती चली गई, लड़के जवान होते चले गए और एक उम्र को पहुंच गए और तुमने शादी नहीं की, अल्लाह के नबी कहते हैं जमीन के अंदर फसाद फैलेगा, फितना फैलेगा। आज हम वो फितना अपनी आंखों से देख रहे हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव का ये हाल है कि बदकारी आम हो रही है और मुसलमान घरों की लड़कियां गैरों के साथ भाग करके अपना मुंह काला कर रही हैं। ये हकीकत है मेरे प्यारे साथियों, ये समाज की सच्चाई। और इसी जिनाकारी को रोकने के लिए हमारी शरीयत ने हुक्म दिया कि औरत पर्दे में रहे। हम कीमती चीजों को पर्दे में रखते हैं। 1,000 रुपये का मोबाइल होता है तो आदमी कहीं भी रख लेता है, और 10,000 का मोबाइल हो तो आदमी दुकान पे जाता है, कहता है अरे यार बहुत महंगा मोबाइल है, कोई अच्छा सा कवर पहले दो ताकि गिर जाए तो मोबाइल खराब हो। हम महंगी चीजों को, कीमती चीजों को छुपा करके, संभाल करके रखते हैं। 5 की 10 की नोट हो तो कहीं भी जेब में रख लेते हैं, 2,000 की नोट हो तो अंदर रखते हैं, कहीं ट्रेन में जाने के टाइम कोई पॉकेट ना मार। औरत शरीयत की नजर में बड़ी कीमती चीज है। औरत की इज्जत और आबरू उसका गहना है, उसका जेवर है। औरत की असल खूबसूरती उसकी उसकी इज्जत और आबरू है। औरत बेपर्दा रहने की चीज नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आपके इस पूरे इलाके में कटिहार और सीमांचल और पूर्णिया का ये पूरा इलाका, किशनगंज का ये पूरा इलाका, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पर्दे के मामले में बहुत पीछे। ऐसा लगता है कि इस इलाके के लिए पर्दा उतरा ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जिस कुरान को उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिस कुरान को मानता है, उसी कुरान को बिहार का और कटिहार का मुसलमान भी मानता है। और वो कुरान हमें ये शिक्षा देता है, ऐ नबी अपने घर की औरतों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबी बिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो नकाब डाल लें, चादर डाल लें, जिलबाब डाल लें, बुरका डाल लें, अपने बदन को छुपा लें। आज आपके घरों की लड़कियां बेपर्दा होकर के सड़कों पर घूम रही हैं, गांव में टहल रही हैं, घरों में काम कर रही हैं, सारा समाज उनको देख रहा है और आपकी इज्जत आबरू पर कोई असर नहीं होता, आपकी पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान तो हयादार होता है, मुसलमान तो गैरत वाला होता है। मुसलमान कभी ये पसंद नहीं करेगा उसकी बहन बेटी को कोई गैर मर्द देखे, उसकी बीवी को कोई गैर मर्द देखे। जब आप पर्दे में ही नहीं रखेंगे तो गैर भी देखेगा, अपना भी देखेगा, सारे लोग दीदार करेंगे। पर्दे का हुक्म दिया गया।
اور پردے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے گھر کی عورت کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی جرت. ارے مولوی صاحب آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہے یہ، نقاب وقاب پردہ وردہ یہ سب پرانے زمانے کی بات ہے، اصل تو دل کا پردہ ہے. میرے پیارے ساتھیو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ تمہارا دل زیادہ صاف ستھرا ہے یا صحابہ کا دل زیادہ صاف ستھرا تھا؟ تمہارے گھر کی عورتوں کا دل زیادہ صاف ستھرا ہے یا میرے نبی کے گھر کی عورتوں کا دل زیادہ صاف ستھرا ہے تھا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر جایا کرو اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، تو تم پردے کی آڑ سے مانگا کرو، تم بے پردہ ان کے سامنے نہ جایا کرو، تم پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگا کرو. کیوں؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے بھی دل کی صفائی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے. او لوگو قرآن کہتا ہے کہ دل تب صاف ہوگا جب پردہ کیا جائے گا، جب عورت پردہ کرے گی تو مرد کو بھی اطمینان رہے گا کہ وہ عورت کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور عورت کو بھی اطمینان رہے گا کہ میری عزت محفوظ ہے. پردے کے بغیر دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھ لیں بے پردگی کی وجہ سے بھی آپ کے اس پورے علاقے میں بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور اگر آپ ابھی نہیں جاگے تو کبھی نہیں جاگیں گے میرے بھائی. تو تین بڑے بڑے گناہ اس حدیث میں ذکر کیے، پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ قتل کرنا، اور تیسرا گناہ زنا کرنا. اور میں نے تینوں گناہوں کے اوپر جتنا ڈیٹیل سے ہو سکتا تھا آپ کے سامنے بیان کیا ہے. باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ رات کے پروگرام میں ہم مزید تفصیل سے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے شرک سے اے اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر اور توحید پر ہو، جو سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی دولت ہے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں بے پردگی کے اس ماحول کو ختم کریں، اور اس کی شروعات ہم سب اپنے اپنے گھروں سے کریں. ہم اپنے گھر کی لڑکیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ہم انہیں پردے کے ساتھ ہی گھر سے نکلنے کی اجازت دیں. اس طریقے کا ماحول اے اللہ تو ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے وہ بھائی جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کو حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں اور کسی قسم کی تکلیف میں ہیں، پروردگار تو ان سب کی تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے پورے مسلمان سماج کے اوپر آج ہندوستان میں جو حالات ہیں، اے اللہ تو ان حالات میں ہمارے جان و مال کی اور ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو آج اس تیرے نبی کی اس امت پر آج جو لوگ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو، ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. پروردگار تو ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی اور ہمارے دینی مدرسوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تو اپنے دین پر چلنے کی زندگی کی آخری سانس تک توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
अब काम नहीं करेगा क्या रख देंगे छोटा पड़ गया।